ये रोड शो नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद का शो है। हमने यहाँ के तमाम दुकानदारों से, इस बाबा नगरी के जो मूल हैं बाबा पंडा लोगों से आशीर्वाद मांगने निकला था। और आपने देखा होगा दुकानदार लोग अपने गद्दी छोड़ करके बाहर आए, पंडा बाबा लोग अपना घर छोड़ के बाहर आए, छतों से आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और जीत की पक्की मोहर लगा रहे हैं। में सिर्फ एक ही माहौल है, प्रदीप यादव, प्रदीप यादव, प्रदीप यादव। इसमें कहीं और कुछ गुंजाइश है नहीं। हम समझते हैं जिस तरह की तैयारी लोग कर रहे हैं और जिस तरह से वो हुआ है, वो हम कह सकते हैं कि हम लोग चुनाव जीते। चलिए तभी देख सकते हैं, अभी ये इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी प्रदीप यादव का रोड शो चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे, आज रोड शो कर रहे हैं आप? रोड शो में है, किस तरह का समर्थन जनता का मिल रहा है? ये रोड शो नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद का शो है। हमने यहाँ के तमाम दुकानदारों से, इस बाबा नगरी के जो मूल हैं बाबा पंडा लोगों से आशीर्वाद मांगने निकला था। और आपने देखा होगा दुकानदार लोग अपने गद्दी छोड़ करके बाहर आए, पंडा बाबा लोग अपना घर छोड़ के बाहर आए, छतों से आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और जीत की पक्की मोहर लगा रहे हैं। अब उनके इस बॉडी लैंग्वेज से, इस भाषा से हम कह सकते हैं कि वो आगे है, हम पीछे है। लोगों ने निर्णय ले लिया है कि बाबा नगरी इस बार परिवर्तन करेगा, हम तो केवल अगुआ मात्र। क्या मुद्दे हैं गोड्डा देवघर के, क्या लोकल मुद्दे जो हैं जो जनता के बीच आप जा रहे होंगे, सामने उछल कर आ रहा है, जिसे आप अगर चुनाव जीत कर दिल्ली पहुंचते हैं तो उसे हल करने की कोशिश करेंगे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे कभी मुद्दों का अंत नहीं होता और मुद्दे समय परिस्थिति के साथ बनते रहता है। जो समय परिस्थिति सामने आएगा, जो मुद्दे आएंगे, आप जनता के टच में कितना रहते हैं, जनता के संपर्क में कितना रहते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमें लगता है 15 वर्षों में जनता के बीच एक क्षण भी रहने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। गांव में उनका बहिष्कार हो रहा है, शहरों में बहिष्कार हो रहा है। और हमने लोगों से वादा किया है कि साल में एक बार आपके घर पर आऊंगा, आपके गांव में आऊंगा, आपके शहर में आऊंगा, आपकी समस्याओं को जानूंगा और आपके दर्द को जानू, तब तो मलहम लगा सकूं और उन समस्याओं का निदान करूंगा। ये हमारा प्रमुख एजेंडा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट, एम्स, प्लांट मिला, लोग उसके ऊपर वोट करेंगे। उसे लोग नहीं कह रहे, आप जैसे लोग ही कह रहे हैं जो उसके आगे पीछे करते हैं। लोग कोई नहीं कह रहा, 5 आदमी का नाम हमको गिना दीजिए जो लोग आपको कहा। भाई, ये दूसरे की बनी हुई चीज पर अपना लेवल लगाने से सारे लोग समझते हैं। क्या अपने जीत के लिए कितना आश्वस्त है आप? अरे, मैं अपनी जीत नहीं कह सकता, ये जनता की जीत होगी, गोड्डा लोकसभा की जीत होगी, बाबा नगरी की जीत होगी। जो परिवर्तन चाहते हैं सबकी जीत होगी और हमें लगता है कि उस जीत के लिए हम सारे आश्वस्त हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो जीत के लिए अपने आश्वस्त हैं और बाबा नगरी में मौजूद। अभी चलिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजेश ठाकुर जी, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या कुछ माहौल है, क्या माहौल है गोड्डा का, क्या देख पाए अभी? गोड्डा में सिर्फ एक ही माहौल है, प्रदीप यादव, प्रदीप यादव, प्रदीप यादव। इसमें कहीं और कुछ गुंजाइश है नहीं। हम समझते हैं जिस तरह की तैयारी लोग कर रहे हैं और जिस तरह से वो हुआ है, वो हम कह सकते हैं कि हम लोग चुनाव जीते। मोदी जी का भी दौरा आज संथाल परगना में हुआ है, तो कितना चुनौती मानते हैं? कोई बात नहीं, उनका दौरा कितने जगह पे हुआ, पहले 11 सीटों पे भी उनका लगातार दौरा हुआ और वो बुरी तरह से हार रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन 14 में से कितने सीट जीत रही है झारखंड? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो है नहीं जो 400 पार बोल दे, लेकिन हम जो रुझान देख पाते हैं और जिस तरह से रुझान दिखाई दे रहा है, हम 14 की 14 सीट जीत, 14 में से 14 जीत, बिल्कुल। पहले भी हमने 13 जीता है 2004 में, फिर एक बार 2024 में 14 जीत लिया। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे 400 पार। मोदी जी कुछ भी बोलते रहे, मोदी जी को हो सकता है कहीं और का ज्ञान होगा। अगर इतना 400 पार हो रहा होता तो मोदी जी को मंगलसूत्र और मुजरे का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो इस तरह की बातें वो करते रहेंगे, उनके बात पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जनता जब आप सुन नहीं रही है तो हम आप सुन के क्या करें। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी।